समझ में नहीं आ रहा कि सरकार की प्राथमिकता इस, इस समय किस तरफ है राम मंदिर की तरफ है या जो लोगों की जो बुनियादी जो जरूरत है उसकी तरफ है जो कि आदित्य राव सिंधिया ने बाईस विधायकों के साथ अपना बीजेपी में जो समय शामिल हुए थे और यहाँ पर भी जो राजस्थान में जो प्रकरण चल रहा है तो ये एक बहुत ही हमारे सामने चिंता का एक बहुत बड़ा एक विषय बन के उभर रहा है या सामने आ रहा है कि सरकारें जो है कोरोना से जो लड़ना चाहिए था जो एक रणनीति जिसके तहत आपको उसे मतलब कोशिश करनी चाहिए थी उससे चुनौती लेने की तो वो सब नहीं करके आप ओलूल जलूल की चीज़ों में जनता को अब भिड़ा के बैठे हुए हैं तो क्योंकि इससे और किसी का भला तो होगा नहीं इससे जनता ही, ही है जो परेशानी में पड़ेगी या उससे ही तकलीफ होगी उससे तो आ, आस्था राम मंदिर और उससे कोई ज़्यादा विशेष कोई फ़र्क या अंतर जो है पड़ता नहीं है धर्म जरूरी है लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है जिस तरह से सियासत को चमकाया जा रहा है ये अपने आप में खासा एक चिंताजनक विषय है और वो भी तब जब कोरोना की महामारी इतने बड़े विकराल रूप में पूरे हमारे देश में फैलती चली जा रही है जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएँ एकदम लचर नज़र आ रही हैं और ऐसी स्थिति में सरकारें जो है वो एकदम गैर जिम्मेदाराना तरीके से उससे निपटने की कोशिश कर रही है जो हमारे जो राजनेता है जो सत्ता में लोग विराजमान हैं ये उसको उस उसने गंभीरता से नज़र देखने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि उनके लिए प्राथमिक है उनका वोट बैंक उनका सत्ता बने रहना अभी जो अभी से चार साल बाद या पाँच साल बाद जो चुनाव होंगे उसमें अपनी जो जो उनके जो संभावना है उसको तलाशने में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि इतने व्यापक स्तर पर ये जो महामारी है कोरोना की महामारी जो है फैल रही है कई राज्यों में तो बाढ़ की भी समस्याएँ हैं अगर आप बिहार में देखें आसाम में देखें तो वहाँ तो बाढ़ से भी लोग कई लोग जूझ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार की जो रणनीति है उस पर चिन्ह तो, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होगा मुख्य प्रधानमंत्री तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो लेकिन यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति है और जो उसके अलावा जो और जो परेशानी है तो उसमें कैसे एक उम्मीद करते हैं कि जो एक साधारण आदमी है वो आत्मनिर्भर बन जाएगा कैसे बनेगा आत्मनिर्भर बन? ये मुझे मतलब बड़ा पीड़ा होती है मतलब ये जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ और ये हमें मतलब मिलके इसके बारे में एक चिंतन या मनन करना पड़ेगा या कोशिश करनी पड़ेगी सवाल को तराशने का